सिकंदर भाई, अबे ये कहाँ रह गए, कहाँ रह गया वो लाल बादशाह? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हाल है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हाल है। ईद के दिन क्या खूबसूरत शेर अर्ज क्या है इरशाद? ईद के दिन अर्ज क्या है कि ईद के दिन ARY वालों ने आर्टिस्टों का मेला लगा रखा है, वाह, और आप सबको डराने के लिए मैंने चुड़ैल का बच्चा बुला रखा है। तमीज से यार, तमीज से क्या तेरे पे चादरें चढ़ती हैं क्या? चादरें चढ़ती है, कहाँ रह गए थे? अबे बड़ा सीन हो गया अभी। क्या हुआ? अबे बाहर झगड़ा हुआ है तेरे भाई का। किससे? अबे एक लड़की को चार लड़के छेड़ रहे। चार लड़के? अबे मैंने बोला शर्म करो, एक लड़की को चार लड़के छेड़ रहे हो, अगर मर्द के बच्चे हो मैदान में आओ। चारों के चारों मैदान में आए, चारों ने निकाली छुरियां। अबे मैंने बोला रख बे छुरी भाई, तेरा भाई छुरी से डरने वाला नहीं है। मेरा भाई छेड़ लगा है। तेरे भाई ने सलवार में से छुरी निकाली है। अबे सारे हंसने लग गए। वो क्यों? अभी मेरा नाला ही कट गया। राजी भी हो गया। खुदा के कसम मैं तो ARY वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या खुदा के उसको चेक दे दे वकार को, कम से कम बाल तो कटवा ले। इतने बड़े बड़े बाल है, वो क्या ट्रक खींचता है क्या? वैसे यार उनकी वो नहीं करो यार बात यार। हाँ। मैं बड़ा खुश हूँ यार। किस बात पे खुश है? यार मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। बेटे जितनी तेरी उम्र है ना, तू कबर के डिजाइन देख। यार जरा तमीज से, मेरा रिश्ता हो रहा है, मैं शादी कर रहा हूँ यार, मुझे कोई मशवरा दे यार। क्या मशवरा? तू बोल यार। मैं चाहता हूँ कि मैं जब तेरी भाभी के पास कमरे में जाऊँ तो जाते ही सलाम करूँ ना। सलाम क्यों करेगा? मजार पे जा रहा है क्या? तेरे मुर्शिद की बेटी है वो, बस जाके घूंघट उड़ाओ, खत्म। नहीं यार। अच्छा? मैं चाहता हूं मैं जैसे ही कमरे में जाऊं। हाँ। तो मुझे देखते ही रौब में आ जाए। बस जाते ही नाक पे मुक्का मारियो। अबे खुद ही समझ जाएगी कोई दरिंदा घुस गया कमरे में। नहीं यार, मैं चाहता हूं उसको कोई ऐसा तोहफा दूं कि वो खुश हो जाए। मेरा मोबाइल नंबर दे दे। हाँ। अभी बात नहीं करेगी, घूंगी है क्या? नहीं यार, मैं चाहता हूँ उससे कोई ऐसी बात करूं कि वो हैरान रह जाए। बस जाते ही तलाक दे दियो यार, दफा कर। शादी ही नहीं करा यार। मैं बोल रहा हूँ शादी कर, और शादी तो करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे कह रहा, अल्लाह माफ करे, इसकी शादी हो रही थी, इसके अब्बा ने बोला सिकंदर बेटा तेरी शादी हो रही है, तेरी शादी में मैं खूबसूरत कराची स्टेज की डांसरें बुलाऊंगा। तो अपने अब्बा को बोले, नहीं अब्बा वही होगा जो तुम्हारी शादी में हुआ था। तो इसके अब्बा ने पूछा, मेरी शादी में क्या होता बेटा? क्या आपकी शादी में खुसरे नाचे थे? मेरी शादी में भी खुसरे नाचेंगे। तो इसके अब्बा बोले, ओ पागल के बच्चे, वो खुसरे नहीं थे, तेरी भुपियाँ थी। इसकी शादी हुई, इसने भी अपने अब्बा को बोला कि मेरी शादी में भी डांसर है बुलाना। डांसर नहीं आए, अपनी अम्मी का फराक पहन के शुरू हो गया। अल्लाह माफ करे, कल अल्लाह माफ करेगा, कोई अमेरिका माफ करेगा? कल एक दुकान पे गया, वहां जाके बोला, भजन ये वाला बंदर कितने का दिया? दुकानदार ने इधर उधर देखा, कहने लगा, भाई बंदर नहीं है, जा तू खड़ा है, वहां शीशा है। ये भी कल चिड़ियाघर चला गया, रीच के पिंजरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा है, फिक्र मत करो अब्बा, अगले हफ्ते तुम्हारी जमानत हो जाएगी। इतना पागल आदमी, एक जनाजा जा रहा है, हर आदमी बोला कलमे शहादत, तो बोला जिंदाबाद। मैंने कहा जिंदाबाद क्यों बोला? करो जनाजा इलाके के नाजिम का है। इसको भी कब्रिस्तान में थप्पड़ पड़ी। कुछ आदमी कंधे पे जनाजा रख के जा रहे हैं तो सबको बोल रहा है, भाईजान नीचे देख के नीचे कब्र है, भाईजान नीचे देख के नीचे कब्र है। एक बड़े मियां ने रख के थप्पड़ मारा, बोला पागल के बच्चे हमारे कंधे पे 20,000 है। तुमने भी कब्रिस्तान में जलील करवाया। क्या करवाया? कब्रिस्तान के मेन गेट पे लिख के आगे खुश आमदीद। और ये इतना बड़ा पागल है, कब्रिस्तान में PCO खोल के बैठा हुआ है। ये मेरे साथ गए कब्रिस्तान, जाके ना कब्र की सारी कब्रें खोदना शुरू कर दी। मैंने कहा ये क्या करो? कहने लगे, यार 14 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, इनको भी आजाद करो। मस्जिद में जलील हुआ, मस्जिद में जाके मौलवी साहब को बोल रहा है, आप नमाज ऊपर पढ़ाते हो नीचे? उन्होंने बोला नीचे, बोल रहा ऊपर में वीडियो गेम लगा लूं। और क्या जलील करवाया? अबे हर जगह जलील। अल्लाह माफ करे, मूली वाले पराठे खा के हैदराबाद की कोच में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ने आवाज लगाई, भाईजान अपने अपने शीशे खोल लो, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। भाईजान मैं तुम्हें जानता हूँ। कैसे जानता है? तुम टीवी में आते हो ना। अपनी दादी को डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने बोला, भाई इनका टेस्ट होगा, तो बोल रहा है उम्र ज्यादा है, वनडे करा लो। हुकूमत ने ऐलान किया पुरानी चीजों को खूबसूरत बनाओ, अपनी अम्मी पे चूना कर दिया। वैसे भाईजान मैंने आपको देखा, आप गिलास के अंदर बकरे की मैंगनी डाल के बोल रहा है, ये पहली डिस्प्लिन है जो खुलती नहीं है यार। रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, डब्बे में से मुंह निकाल के पीछे वालों को बोल रहा है, हमारे से आगे निकल के दिखाओ। अपने अब्बा के साथ जा रहा है, आसमान पे बिजली चमकी, इसके अब्बा ने पूछा, भाई ये क्या? बोला अब्बा हमारी किसी ने फोटो खींची है।
थोड़ा और आगे गया, बारिश शुरू हो गई, इसके अब्बा ने फिर पूछा बेटा ये क्या? बोला अब्बा हमारी फोटो धुल रही है। थोड़ा और आगे गया, दो गधे आ रहे थे, इसके अब्बा ने फिर पूछा बेटा ये क्या? बोला देखो तस्वीर धुल के भी आ गई। इतने अब्दुल्ला शाह गांधी के मजार पे गए, दुनिया ज़ियारत को चूम रही है, एक मलंग को चूम रहा। मैंने बोला भाई मलंग को क्यों चूम रहा है? बोला चुप कर जा, लंगर यही बांटेगा। ये भी इतने पागल आदमी। पड़ोस की मुर्गी ने दो अंडे दिए, मुर्गी को समझा रहा है बहुत अच्छे भाई डबल सिम डलवाइए, बताया भी नहीं। ये भी समंदर में चले गए नहाने, नहाने लगे, ये डूबने लगे तो इन्होंने फौरन कहा या अल्लाह पाक मुझे मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दे, मैं तुझे देखे दूंगा। ये बाहर आ गए, बाहर आके बोल रहे हाँ भाई कौन सी देखे? एक ले रहा है, फिर ले गया तो फिर बोला अल्लाह मियां मैं पूछ रहा था कौन सी देख, बिरयानी की या जर्दे की? मस्जिद में मौलवी साहब बोल रहे हैं ये जो लड़कियां मेकअप करती है बेशरम है, जो बाजारों में घूमती है बेशरम है, जो सर पे दुपट्टा नहीं लेती बेशरम है। खड़ा होकर बोल रहा है भाईजान आपको नमाज पढ़ानी पड़ाओ, मेरी बहनों के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? अल्लाह माफ करे, तुम्हारा ही माफ करेगा। तुम्हारा मुंह देखो ऐसे नहीं लगता, 35 रुपए किलो वाला चौथा अपने घर ले जा। क्यों? तेरी अम्मा बड़े शौक से खाती है। चौसा तो कभी घर पे लेके भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? अबे बड़ा बदतमीज जाम होता है। कैसे? दबाओ तो गुठली निकल के भाग जाती है। वैसे यार मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम टीवी पे आते हो ना? पता नहीं यार उस वक्त मैं सोया होता हूँ यार। नहीं नहीं मैंने तुम्हें टीवी पे देखा। क्या? तुम दो होते हो। अच्छा, तुम उड़ते हुए आते हो और अपने साथी को कहते हो क्या? उस्ताद इस घर में नहीं जाएंगे, यहाँ मैट जल रहा है। ये भी कल मेरे साथ फिल्म देखने गया, हमारी सीट के आगे एक लेडीज बैठी हुई थी, थोड़ी सी बोतल पी के रख दे, थोड़ी सी बोतल पी के रख दे, इसको गुस्सा आया पूरी बोतल उठा के पी गया। औरत ने पूछा बेटा पी ली? बोल रहा हाँ। बोला पागल के पज्जे, मैं तो पान की पी के थूक रही थी। नहीं भाई मैं आपसे जीत ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या ताश खेल रहे हैं? वैसे यार इन सब बातों को छोड़ो, ईद का शो हो रहा है उसमें आए हम लोग। हाँ ईद का शो है, वैसे इन सब बातों को छोड़ो। बोल बोल यार ईद की खुशी में कोई शेर ही सुना दो यार। भाई शेर क्या, कुछ सवाल पूछना है वो पूछ ले। सवाल तुमसे? सवाल जवाब, अकलमंद आदमी है। क्या बात कर रहा है, सवालों का जवाब? तेरे भाई ने कल अपने अब्बा को जवाब दे दिया। क्या? मेरे अब्बा ने बोला भाई जान एक गिलास पानी पिला, मेरा भाई अल्लाह ने पाँव दिया खुद उठ के पियो। बाप हो तो क्या बदमाशी करोगे क्या? नहीं मेरा आपसे पहला सवाल पूछ, मुझे बताओ दुनिया में मर्द खूबसूरत है या औरत? अबे चल बे, औरत की काय की खूबसूरती है? क्या मतलब? सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल है, यकीन नहीं आता मुंह धुलवा के देख अभी सारे बिल बतौड़ियां। औरतों को इतना बुरा कह रहे हो तो मर्द क्या? कुदरती ब्यूटी, ये देख क्या शुआएं निकल रही है, लश्कारे, कोई खर्चा नहीं। कैसे? 25 रुपए का रेजर, पहले करे चन, दूसरा करे चुन, चे 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 चे। मेरा दूसरा सवाल बोल बोल। अंग्रेजी आती है फुल? मुझे अब ये बताओ अंग्रेजी में भैंस को क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में भैंस को? जी अंग्रेजी में भैंस को बोलेंगे दिस इज ए मिल्क पैक मम्मी। भाईजान मैं अपनी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजों की नकल नहीं करता, अपने घर की बनी हुई बोलते फ्रेश, हल्की आंच पे पक्की हुई। हाँ जी। मेरा आपसे तीसरा सवाल बोल बोल। मुझे ये बताओ इंसान और गधे में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या? ये जितने भी लोग बैठे हैं सारे इंसान हैं। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, पब्लिक समझदार है, पब्लिक जानवर पहचानती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, इसके बाद मर जाएगा क्या? हाँ। मैंने तेरे सवाल के जवाब दिए ना? हाँ। सोच समझ के मेरे सवालों का जवाब दे। पूछो। सोच समझ के जवाब देना। हाँ जी। पहला सवाल। हाँ जी। हाथी अंडे देता है बच्चे? बच्चे। जाहिल हाथी कुछ भी नहीं देता, हथनी देती है। दूसरे सवाल का जवाब दे। पूछो। दुनिया में वो कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं है? पता नहीं, तेरे दादा। तीसरे सवाल का जवाब दे। पूछो। प्याले में दूध पी लेता है? पी लेता। कौन सी बड़ी बात है, कुत्ता भी पी लेता है। चौथे सवाल का जवाब दे। पूछो। खूबसूरत चीज को ऊपर रखते नीचे रखते? ऊपर रखते। तो पागल के बच्चे जूते ऊपर रख, मुंह को नीचे रख। वैसे एक बात है, तेरे सर में पंखा लगा दो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। वैसे यार इन सब बातों को छोड़ो यार, यार मैं मशहूर होना चाहता हूँ। मशहूर एक मिनट में हो जाएगा? कैसे? सर पे एम्बुलेंस की बत्ती लगा ले, गोली। वैसे यार इन सब बातों को छोड़ो यार, सुना आजकल आप शायरी बड़ी अच्छी, शायरी बड़ी अच्छी कर रहा हूँ मैं यार, कोई शेर बोल दो यार। बोल दो क्या, सुना दो होता है, बोल दो क्या होता है? अच्छा सुना दो शेर। ईद के, ईद का दिन चल रहा है ना, ईद का शो है, ईद के हवाले से शेर अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद इजाजत। ठीक है जी। अर्ज क्या, अगर अच्छा लगे तो तालियां भरपूर बजेगा। ईद का शेर, अदबी शेर अर्ज क्या है जी? दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने, दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने, इश्क के रस्म और रिवाज जमाना क्या जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, 5 रुपए के फूल डालने वाला क्या जाने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।